हाय गाइस, तो मैंने सोचा है न्यू टाइप की वीडियोस बनाने का जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और चलता बनूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में वीडियो है, सिर्फ इस वाले कंसोल के बारे में। इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो सारी मैं आपको अभी दे दूंगा। और एक मिनट, लाइट बंद करनी पड़ेगी। जैसे चाबी को ऑन करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको भी दिख रही होंगी। धीरे धीरे सब पर बात करता हूँ। सबसे पहले तो इस कॉन्सोल में ये जो बात की जाए, ये यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। ये एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है ये सारा। और बात की जाए ये बीच वाले में, एनालॉग में सिर्फ ये वही मिलता है आपको स्पीडोमीटर। और बीच में काफ़ी सारे फीचर्स आपको भी दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो बात की जाए डिजिटल में इसके फ्यूल बार की, ये आपको दिख रहा होगा। ये रहा, 1 2 3 4, इसमें 7 फ्यूल बार आती हैं, तो आपको फ्यूल का पता चलता रहता है। लेकिन मेरे को इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं दिखा रहा फ्यूल। कई बार 4 दिखा देता है, कई बार 1 दिखा देता है। तो वो आप देख लेना। यहाँ पे टाइम का मिल जाता है, टाइम मैंने अभी सेट नहीं किया है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि कैसे सेट करना है। वो यहाँ पे आई बटन जो है हैंडल की लेफ्ट साइड में, उससे सेट होता है। उसके लिए सेपरेट वीडियो वो बना दूंगा। एंड नीचे आपको डिस्टेंस तो पता चल ही गया होगा। और ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर का ये जहाँ, अगर मैं बटन दबाता हूँ I1, ये ट्रिप ए पे चला गया, ट्रिप बी पे चला गया, ट्रिप एफ भी होता है। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है उसका डिटेल। और इसी के ऊपर यहाँ पे एक सर्विस रिमाइंडर भी आता है, वो जब सर्विस का टाइम होता है तब आता है। अब जैसे ऑन ऑफ करेंगे तब आपको शो होगा, वो देखिए है ना, वो सर्विस रिमाइंडर का भी देता है। वो ब्लिंक करने लग जाता है जब आपकी सर्विस का टाइम होता है। और इसी के साथ यहाँ पे इको मोड भी होता है। इको मोड वो पता नहीं गियर डालने से आएगा कि कैसे आएगा, नहीं यार, वो इको मोड आपको बताता है कि आप अपनी बाइक ऑप्टिमल कंडीशंस में चला रहे हो कि नहीं। वो शायद अभी दिखाऊंगा। अभी ये रहा इको, इको आ गया ना, तो वो बताता है कि हाँ भाई बाइक तुम सही चला रहे हो। बाइक आपको खुद बताती है कि हाँ तू सही में को चला रहा है। और इसी के साथ साथ आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है कि कौन से गियर पे है। जैसे अभी न्यूट्रल पे है तो 0 गियर पे है, पहला दूसरा तीसरा, वो आपको पता चल जाता है जब आप गियर चेंज करते हो। और बात की जाए इसके आरपीएम मीटर की, वो इसमें बिल्कुल नहीं दे रखा, आरपीएम मीटर नहीं है इसमें। और एक बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से जब वो देखते हैं इसको, कि इसमें इंजन टेम्परेचर का इंडिकेटर दे रखा है। ये देखिए, इसमें वो इंजन टेम्परेचर का ऊपर इंडिकेटर वो दे रखा है, लेकिन इंजन में कोई सेंसर नहीं लगा हुआ। तो मे बी फ्यूचर में रॉयल इनफील्ड वालों ने कोई बाइक निकालनी हो जिसमें ये कौनसा लगेगा शायद, तो उसमें वो इंजन के टेम्परेचर का देंगे सपोर्ट। लेकिन इसमें बस वो ऊपर एक इंडिकेटर दे रखा है, लेकिन सेंसर इसके इंजन में कुछ नहीं लगा, तो वो काम नहीं करता। वो बस नाम के लिए दे रखा है उन्होंने। और यहाँ पे अगर बात की जाए लेफ्ट साइड की, कुछ लाइट्स चमक रही होंगी, दिख रही होंगी आपको। लेफ्ट के साइड में आपको ये हजार्ड लाइट का दिख जाता है। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने हजार्ड लाइट ऑन की, तो दोनों इंडिकेटर दिख रहे हैं। देखिए, तो ऐसे ही जैसे मैंने हजार्ड लाइट बंद की, और इसमें आपको उसका भी दिख जाएगा, जैसे लेफ्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर। और ये होगी हजार्ड लाइट की। यहाँ पे लेफ्ट में आपको लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिलता है, यहाँ पे दिखता है वो जब आपका फ्यूल कम होता है, तो यहाँ पे वो एक पेट्रोल पंप वाला साइन ऑन दिखने लग जाता है। और लो बैटरी का भी दिखता है, जैसे ब्लिंक हो रहा है। मेरे को पता नहीं इसकी अभी बैटरी लो है कि नहीं है, या ऐसे ही चल रहा है। मेरे को ज़्यादा भरोसा नहीं है इस कॉन्सोल पे, तो क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले तो बाइक ली है और इतना ज़्यादा चलाई भी नहीं है, तो कैसे ये लो बैटरी इंडिकेटर दिखा रहा है। एक बार बात कर लूँगा कंपनी वालों के से मैं इसके रिगार्डिंग भी। सेंटर में आए, सेंटर में आपका ये न्यूट्रल का दिख रहा है आपको, और ABS का शो करता है। अब आते हैं इसके राइट साइड पे। राइट साइड पे जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो लो बीम हाई बीम का दिखता है यहाँ पे, कि इस साइड पे
कि हेडलाइट ऊपर है नीचे है उसका दिखता है, EFI का दिखता है उसमें, EFI मिल का। और अब बात करते हैं इसके ओडोमीटर की, जो मैंने कहा था आपको कि ट्रिप ए ट्रिप बी क्या चीज़ है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ट्रिप ए पे करेंगे तो ट्रिप ए ज़्यादातर माइलेज के लिए ही होता है, ट्रिप बी ज़्यादा वो है फ़ायदेमंद, क्योंकि जब हम इसको दबा के रखेंगे, जैसे ट्रिप बी है, अगर इसको मैं आई बटन को दबा के रखूँगा ट्रिप बी पे, तो ये रिसेट हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। और समझ लो आपने अपने दोस्त के घर पे जाना है, जीरो पर करके आप अपने दोस्त के घर पर जा रहे हो, तो ये आपको एग्जैक्ट किलोमीटर बता देगा कि कितने दूर हुआ है। जैसे मैंने अभी दबा के रखा ये आई बटन को, ये जीरो हो गया, मैंने प्रेस करके रखा था जो लेफ्ट साइड पे बटन है, तो वो भी जीरो हो गया। तो अभी अब जब आप चलाओगे ट्रिप बी पे, तो वो आपको बताएगा कि कितने किलो एग्जैक्ट कितने किलोमीटर है। यही था इसका वो, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, टाइम कैसे सेट करना है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। और ये जो टाइम है ये तो ऐप के थ्रू हो जाता है, रॉयल एनफील्ड ऐप से, इसके जब मैं नेविगेशन वाली वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो है ये आई बटन के साथ ही होता है, आई बटन के साथ करते हैं इसको, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। तो बेसिकली यही वीडियो थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।